सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेकी बातें। सो आज हम बात करने वाले हैं एक माइक के स्टैंड के बारे में जिसको हम टेबल पे लगा सकते हैं, माइक को स्टैंड पे लगा सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर है तो आपके लिए बहुत ही काम के प्रोडक्ट। अगर आप गेमिंग करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, किसी भी चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं जिसमें माइक की जरूरत पड़ती है तो ये स्टैंड आपको काम आने वाला है। ऑलराइट, तो ये चीज मैंने अमेजोन से मंगा ली है, तो फटाफट से उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद उसका रिव्यू करते हैं। तो ये देखो गाइस, ये है पार्सल, इसको ओपन करते हैं। ये अमेजोन से रिसीव किया है तो इसके अंदर प्रोडक्ट है, तो फटाफट से इसको खोलते हैं। तो ये देखो गाइस, मेन पैकेज को हमने खोल दिया है और ये है मेन प्रोडक्ट। के अंदर से एक एक चीजें निकालते हैं और क्या क्या चीज है देखते हैं। तो दिस इज नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये आप देख सकते हो सारी आइटम पन्नी के अंदर पैक करी हुई है। तो वन बाय वन इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले है ये स्टैंड, माइक का स्टैंड। इसके अंदर हम ये माइक लगा सकते हैं और यहाँ पे एक नॉब है जिसको हम फिट करेंगे, वो हम आगे देखते हैं कैसे करना है। देख सकते हो ये है स्टैंड जिसको हमें टेबल के नीचे लगाना है। टेबल के कोई भी कॉर्नर में हम ये लगा सकते हैं और इसके ऊपर मेन स्टैंड आएगा। ये है मेन स्टैंड गाइस, ये देख सकते हो ये है स्टैंड। तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें स्प्रिंग लगी हुई है तो इजीली हम इसको ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो इसके अंदर आएगा, टेबल पे कोई भी कॉर्नर पे इसको हम फिट करेंगे। तो चलिए माइक को सेटअप करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये वाला जो है क्लैंप, इसको हमें टेबल के नीचे लगाना है। जो भी कॉर्नर पे हम लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो क्लैंप है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फिट कर रहा हूँ, नीचे जो नॉब दिया है उसे मैं टाइट कर लेता हूँ। इसको मैंने फिट कर लिया है। अब ये जो मेन स्टैंड है वो इसके अंदर लगेगा, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ओके, तो ये लग गया है और इसमें भी एक स्क्रू है टाइट करने के लिए। इसको कैसे भी आप रख सकते हो ऐसे ऐसे और उसके बाद इसको टाइट कर सकते हो। तो मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। ये टाइट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको आप ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, इसको यहाँ से फिट भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे लाके इसको फिट कर दो। ये जो स्टैंड है माइक का उसको हम यहाँ लगा सकते हैं, आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। वो माइक जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये फिट हो चुका है। मेरे पास एक माइक है बोया M1, तो इसको इसके अंदर फिट करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने बोया का माइक लगा दिया है क्योंकि मेरे पास यही है। इसके अंदर आप रॉड का या गनशॉट वाला माइक है और जो बड़े माइक्स आते हैं वो यहाँ पे आप लगा सकते हो और इजीली माइक्स को आप ऐसे सेट कर सकते हो। इसकी हाइट भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका लोकेशन चेंज कर सकते हो लाइक दिस, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोकेशन चेंज कर सकते हो माइक की, और जो बड़े माइक्स आते हैं वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। एज ए यूट्यूबर आपको ऐसा सेटअप करना है तो ये बेस्ट रहेगा क्योंकि वीडियो क्वालिटी तो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी मोबाइल से, लेकिन ऑडियो क्वालिटी भी अच्छे चाहिए। तो ऑडियो क्वालिटी के लिए भी आपको गैजेट्स लेने चाहिए। तो अभी आप जो आवाज सुन रहे हो वो ग्रेनारो के माइक से सुन रहे हो। सो अभी मैं इसको एनेबल करता हूं, बोया का माइक को स्टार्ट करता हूं और इसकी वॉइस क्वालिटी सुनते हैं कैसी आती है। सो 3, 2, 1। सो गाइज, अभी आप सुन रहे हो बोया के M1 माइक से। सो आपको पता लग गया होगा कि कैसी क्वालिटी है। वीडियो क्वालिटी तो अच्छी चाहिए चाहिए, प्लस उसके साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, इससे आपकी वीडियो बेहतरीन बन सकती है। ऑलराइट, सो इसीलिए आप ये स्टैंड ले सकते हो और आपके पास जो भी माइक्स पड़े हैं अच्छे वाले बड़े, वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा जिसमें हमने अनबॉक्सिंग करी और स्टैंड के बारे में मैंने आपको रिव्यू दिया। कैसे माइक को सेटअप कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी तो मेरे पास M1 माइक है तो वही मैंने लगाया है। मैं नया माइक ले लूंगा जो बड़ा होगा, जो अच्छी क्वालिटी वाला होगा, तो उसको भी हम लगा के देखेंगे। सो वैसे तो ये स्टैंड की बॉक्स के ऊपर कीमत 999 रुपीज लिखी हुई है, लेकिन अभी अमेजोन पे ऑफर चल रही थी इसलिए ये स्टैंड मुझे पड़ा है सिर्फ 350 रुपीज में। सो आपको भी ये प्रोडक्ट बाय करनी है तो आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हो। ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहां पे क्लिक करके आप ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।